वेलकम टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टल फिल थ्योरी। इसे शॉर्ट में हम लोग CFT थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, उसके बाद हम लोग थ्योरी के बेसिक्स पोस्टुलेट्स देखेंगे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्जेस एंड द इंटरेक्शंस बिटवीन देम आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे बात जो हो रही है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हो रही है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं और जो लिगेंड्स अटैच होते हैं, उनको ये थ्योरी पॉइंट चार्जेस के रूप में एज्यूम किया है, और उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया। जैसे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखे थे कि मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच का जो बॉन्डिंग था वो कोवैलेंट था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग यानी आयनिक बॉन्ड को बता रहा है। इन केस ऑफ निगेटिव लिगेंड्स, अगर निगेटिव लिगेंड्स अटैच्ड हो मेटल आयन के साथ, एग्जांपल में क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, साइनाइड माइनस, द इंटरेक्शन विथ मेटल आयन्स आर आयन आयन इंटरेक्शन। कह रहा है कि अगर निगेटिव लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं मेटल आयन्स के साथ, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो आयन आयन इंटरेक्शन होगा। इफ़ द लिगेंड्स आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल में यहाँ पे NH3 अमोनिया है, H2O वाटर है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, द इंटरेक्शंस आर आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। तो जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे तो मेटल के साथ जो बॉन्डिंग इनका होगा वो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होगा। तो चलिए अब इनके पोस्टुलेट्स देखते हैं। यहाँ पे बेसिक्स एजम्पशंस हैं, फीचर्स हैं क्रिस्टल फिल थ्योरी के। अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फिल थ्योरी, तो आप इसे पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं। टोटल 7 पॉइंट्स हैं, या आप कह सकते हैं टोटल 7 पोस्टुलेट्स हैं थ्योरी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पोस्टुलेट्स वो है, द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात हो रही है। तो उसमें जो मेटल आयन होते हैं वो घिरे होते हैं लिगेंड्स से, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सेकेंड जो पोस्टुलेट्स है वो कह रहा है कि ऑल द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्जेस, द लिगेंड्स मे बी आइदर आयनिक लाइक फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, साइनाइड माइनस, ETC और मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC। मीन्स यहाँ पे सेकेंड जो पोस्टुलेट्स है क्रिस्टल फिल थ्योरी का, वो कहता है कि जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं मेटल आयन्स के साथ, उन्हें पॉइंट चार्जेस एज्यूम किया गया है। वो या तो आयनिक हो सकते हैं लाइक जिन पे निगेटिव चार्ज हो, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। थर्ड जो पोस्टुलेट्स कहता है, द इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द निगेटिव इंस ऑफ अनायन और लिगेंड मॉलिक्यूल्स इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज कंसिडर्ड 100% आयनिक। मीन्स कह रहा है कि जो मेटल आयन है और जो लिगेंड होते हैं उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो प्योरली आयनिक होता है, जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको हमने बताया। तो इस डायग्राम से आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पे जो बीच में बड़ा सा गोला है वो मेटल आयन को शो कर रहा है M++, और ये जो छोटे छोटे स्फेयर है वो लिगेंड है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है मेटल आयन और लिगेंड का, वो 100% आयनिक होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होता है। फोर्थ पोस्टुलेट्स में है, द लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन, मीन्स जो मेटल आयन के सराउंडिंग में जो लिगेंड होते हैं वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन्फ्लुएंसेस द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फ्लुएंसेस द एनर्जीज ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मीन्स जो सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी पे अफेक्ट डालते हैं। इन अ फ्री मेटल आयन ऑल द 5D ऑर्बिटल्स हैव, नेक्स्ट यहाँ पे हैव द सेम एनर्जी, दीज एनर्जीज आर कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल्स। कह रहा है कि फ्री मेटल आयन का जो डी ऑर्बिटल होता है उनमें सबका सेम एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को हम लोग डी जनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं।
फिफ्थ पोस्टुलेट्स को यहाँ पे बेसिक ऑफ सेफ्टी हमने लिख दिया है कि इस फिफ्थ पोस्ट अगर बेसिक ऑफ सेफ्टी कोई पूछे तो ये वाला जो पोस्टुलेट्स है वो बेसिक बताता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड्स द एनर्जी ऑफ द 5D ऑर्बिटल्स विल स्प्लिट अप। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है लिगेंड से उनके कारण जो है एनर्जी जो फ्री मेटल आयन के जो एनर्जी होते हैं डी ऑर्बिटल्स के वो सारे सेम होते हैं, लेकिन जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है लिगेंड के थ्रू तो एनर्जी जो है उनका डी ऑर्बिटल्स का वो स्प्लिट अप हो जाता है यानी टूट जाएगा। तो दिस कन्वर्जन ऑफ 5D जनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन इनटू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। कह रहा है कि जो 5D जनरेट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल आयन के वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में टूट जाते हैं और उनका जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी स्प्लिटिंग को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसी थ्योरी पे बेस्ड है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि कैसे स्प्लिट अप होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल। सिक्स जो पोस्टुलेट्स है वो है कि वी कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्पेक्ट्रा एंड परफरेंस ऑफ पर्टिकुलर ज्योमेट्री इन टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड्स। मीन्स सिक्स जो पोस्टुलेट्स है वो कहता है कि हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी के थ्रू उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्पेक्ट्रा को पर्टिकुलर ज्योमेट्री को इन टर्म्स ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेनर टेट्रागोनल ये सब का जो थी मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं इसी पोस्टुलेट्स के बेसिस पे यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे ही पढ़ते हैं। सेवन जो पोस्टुलेट्स है वो कहता है कि द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो अलग जिनका अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो जाहिर सी बात है उनका अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी होगा। तो क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होगा उनका वो डिफरेंट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो या कुछ नोट्स चाहिए। थैंक यू सो मच।